जिला मुख्यालय नाहन में आज एनएसयूआई की सिरमौर इकाई ने भाजपा के केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू के खिलाफ आक्रोश प्रदर्शित किया। एनएसयूआई ने शहर में आक्रोश रैली निकालते हुए जमकर नारेबाजी की और दिल्ली गेट पर उनका पुतला फूंका। एनएसयूआई के मनदीप ठाकुर ने बताया कि राहुल गांधी की लोकप्रियता भाजपा नेताओं को रास नहीं आ रही है। आए दिन भाजपा के केंद्रीय मंत्री, नेता प्रतिपक्ष और कांग्रेस वरिष्ठ नेता राहुल गांधी पर आपत्तिजनक टिप्पणियां कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि केंद्रीय मंत्री रवनीत सिंह बिट्टू की टिप्पणी बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और निंदनीय है। एनएसयूआई के इस प्रदर्शन में बड़ी संख्या में कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। मैं मनदीप ठाकुर, भारतीय राजछात्र संगठन नाहन इकाई पूर्व अध्यक्ष। आज भारतीय राजछात्र संगठन जिला सिरमौर इकाई के द्वारा नाहन के अंदर एक विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। इसके पीछे का जो उद्देश्य है वो भाजपा के जो केंद्रीय मंत्री है रवनीत सिंह बिट्टू जी, उनके द्वारा जो नेता प्रतिपक्ष है लोकसभा में राहुल गांधी जी के ऊपर, जो उन्होंने अनाप शनाप जो बयानबाजी की गई है कि राहुल गांधी जी देश के नंबर वन आतंकवादी है, उसके विरोध में आज एनएसयूआई सिरमौर के द्वारा आज यहाँ पर धरना प्रदर्शन किया जा रहा है। और एक संवैधानिक पद पर आसीन जब ऐसे व्यक्तियों के द्वारा ऐसी बयानबाजी दी जाती है तो एक शर्मनाक है, निंदनीय है। इसके विरोध में ही आज यहाँ पर प्रदर्शन किया जा रहा है। ऐसे व्यक्ति के खिलाफ, ऐसे परिवार के खिलाफ आज बयानबाजी हुई है जिस परिवार ने इस देश के लिए बलिदान दिया है। तो इस प्रकार के विरोध, इस प्रकार के बयानबाजी के लिए भी हम आज यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं। और ऐसे इस प्रकार के जो नेता हैं इनके खिलाफ ये हमारे यहाँ से एक विरोध हो रहा है। तो अगर इन फ्यूचर में ऐसी घटनाएं आती रहती है तो हम इनके खिलाफ हम उग्र आंदोलन करेंगे पूरे प्रदेश के अंदर, पूरे देश के अंदर। धन्यवाद।